जी इस मॉडल में तकरीबन 77 चेंजिंग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हंसला बिन नासिर। नाज़रीन, आज हम आपके सामने होंडा CG 125 2024 मॉडल लेकर आए हैं, इसका रिव्यू करते हैं। हमारे साथ आसिम भाई हैं, तो ये हमें आज इसके बारे में जो न्यू इन्वेंशन हुई है वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 2024 मॉडल में कौन कौन सी नई चेंजेज़ आई हैं? जी इस मॉडल में तकरीबन 77 चेंजिंग हैं, तब्दीली की है उन्होंने। इसमें इंजन में काफ़ी सारी चेंजिंग है, बार बॉडी में काफ़ी तब्दीली की है, इस बार सीट चेंज की है। सीट के नीचे जो इसका हम सीट का पतरा बोलते हैं वो प्लास्टिक का लेटेस्ट में कर दिया उन्होंने। काफ़ी चीज़ें चेंज हैं इस बार ना। अभी आप इसकी बॉडी की तरफ आ जाए तो इसमें ये शॉक्स जो है वो कदरफुल कर दिए हैं, पहले सिल्वर में होते थे। इसकी जो हबें हैं वो लेटेस्ट पाउडर कोडिंग में कर दी हैं, ताकि जो स्केल आती थी गाड़ी 6 साल चलने के बाद प्रॉब्लम आती थी वो अब ख़त्म हो गई है, इसमें नहीं आएगी। उसके इंजन में काफ़ी चेंजिंग की है इस बार, 77 तब्दीलियाँ इंजन में हैं। ठीक है, हाँ जी। वो अच्छा, मुझे बताइएगा जो 77 इन्होंने चेंजेस की हैं, इसके साथ कोई फ्यूल एवरेज या इसकी कोई पिस्टन की कोई लाइफ में कोई इस तरह कोई फ़र्क पड़ेगा कोई? जी इसमें केम गरारी को प्रॉब्लम पहले को थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन अब इस बार उन्होंने काफ़ी चेंजिंग कर दी है इसमें ना। वो केम गरारी एवरेज भी बेहतर की है, काफ़ी सिस्टम में चेंज करते रहते हैं वो साथ साथ बस के इंजन के। इसमें कौन कौन से कलर आए हैं 2024 में? इसमें सादा 125 में आते हैं 2 कलर, रेड और ब्लैक। इसके अलावा फिर अभी अपना जो सेल्फ स्टार्ट है उसमें 2 कलर आ रहे हैं, रेड ब्लैक, तो इसमें भी 2 ही कलर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि लॉन्ग रोड पे और अगर हम लोकल में चलाते हैं तो क्या फ़र्क आएगा? अगर आप नॉर्मली स्पीड चलाते हैं तो एवरेज जो है वो तकरीबन 45 किलोमीटर आ जाती है, तो अगर आप ज़्यादा चलाते हैं तो फिर 35 में एवरेज आएगी इसकी। और इसका फर्स्ट टाइम जो फ्यूल जोन सा फ्यूल गैर मोबाइल वगैरह चेंज करवाते हैं, कार्बोरेटर जोन सा सर्विस करवाना, कितने किलोमीटर के बाद ये सर्विस मांगती है? कार्बोरेटर आपको खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप मोबाइल और इसका फ़िल्टर टाइम से साफ़ करवाते हैं। कार्बोरेटर बहुत कई साल 2 साल बाद शायद जाके खोलना पड़े। मोबाइल पहला हम 500 किलोमीटर पर कस्टमर को कहते हैं, दूसरा फिर 500 पे 1000 पे इसकी ट्यूनिंग कहते हैं। 3 सर्विसेज फ्री हैं, फिर इसकी 6 माह 6000 किलोमीटर वारंटी बॉडी पार्ट्स की है। इसके अलावा पर 3 साल 30000 किलोमीटर की वारंटी इंजन की है। ठीक है ना जी, ऑयल कंपनी का लगवाएंगे तभी वारंटी है। अच्छा, इसकी इनवाइस के बारे में हमें ज़रा बताइएगा। इसकी इनवाइस है 2,34,900। और रजिस्ट्रेशन का खर्चा वगैरह है इसकी 6500। वो यानी कि इससे हटके ही होगा इसका? हाँ जी, वो तो ज़ाहिर है जी, इसके अलावा ही होगा। तो इसका कितनी देर में यानी कि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है? और रजिस्ट्रेशन 1 डे में मिल जाती है। वो एजेंट के थ्रू करवानी पड़ेगी या हमें खुद जानी पड़ेगी? बेशक आप खुद भी चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, वहीं जाएँ तो साथ ही नंबर लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जी नाज़रीन, हमने आपको होंडा यूरो 2 CG 125 2024 मॉडल का रिव्यू करवाया। आज आपको पूरी इसकी डिटेल में स्पेक्स वगैरह बताई हैं, इसकी इन्वाइस क्या है और इसमें क्या क्या इन्वेंशन आई हैं 2024 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारी न्यू वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोबारा मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।